मुताबिक हीरा साहिबा ने आज तक बहुत से लोगों के हाथ देखे हैं और फाल बता रही है कि दो लोगों के साथ हाथ किया भी है। वो भाई इसकी दो मंगनियां टूटी हैं और दूसरी मंगनी ये हाथ किया मतलब होता अच्छा, है हाथ तो इधर आ जाना लाहौर आ जा कराची से नहीं नहीं हाँ वो कह रहा है कि देखो जिस जिसके साथ हाथ हुआ है हाँ। उसको समझ आ गई लेकिन ये दूसरी मंगनी तो मैंने तुड़वाई थी वो तो मैं अच्छा ये पहली मंगनी तो उसको समझ भी नहीं थी कि इसकी हो गई थी दो मंगनी आपने इनके लिए तोड़ी नहीं पहली अपने लिए तोड़ी थी कि कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे क्या समझ नहीं आ रहा था हलमानी भी यही पूछता है कि दोनों मंगनियों की तस्वीरों में इतनी खुश हो चुकी थी शौक तो नहीं था कहीं मंगनियां करवाने नहीं शौक था दुल्हन बनने का अल्लाह हू अकबर और सपनों का राजा सिर्फ मानी चाहिए क्या बात सरकार मोहतरम दूसरी बात ये है हीरा साहिबा ने सोशल मीडिया पे काम किया है टीवी पे काम किया है लेकिन नहीं किया तो घर का काम नहीं किया और आजकल इनमें और मासी में कोई फर्क नहीं है पोछे ला रहे ना क्या बात सफाई का दौरा पड़ता है मैं ऐसे अपने जूड़ा बांध लेती हूँ पर जब मेरा जूड़ा बन जाता है तो ना मेरे करीब मानी आता है ना इब्राहिम ना मुजम्मिल क्योंकि उनको पता है कि जूड़ा ऊपर बनने का मकसद है वो कपड़ों का ब्रांड निकालेंगी एक अपना अरमानी के बाद नया ब्रांड हीरामानी जो तीन बातें मैंने बताई हैं वो वैसे तकरीबन तकरीबन ठीक है कि नहीं और जाते जाते आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि जब कभी आपको घर में गुस्सा आ जाता है तो मार्शल आराम से खा लेते हैं सर बिल्कुल एक अच्छा खुद कफील मियां जो होता है थैंक यू सो वेरी मच यार यू आर वेरी गुड यार लव यू लव यू टू कोरोना वी लव यू बाय थैंक यू सो ये हमारे फाल भाई पप्पू पैरेट साहब की जो गुफ्तगू है उससे जो दो तीन चीज़ें मोटी मोटी सामने आती हैं वो ये कि एक आपने दो मंगनियां तोड़वाई जो हमें इल्म नहीं था ये बात कह के इनडायरेक्टली सुना तो नहीं रही होती असल में मानी कि मैं फैन अच्छा अभी भी हूँ उस वक्त फैन थी तो मानी को मैं बहुत फॉलो करती थी सिर्फ इसीलिए कि मुझे लगता था कि ये जो सच बोल रहा है इंसान ये कैसे इंडस्ट्री में इस तरह सच बोलता है यहाँ पे तो मैंने बड़े फेक ओह माय गॉड हाय दिस इज अनुशे दिस इज माहिरा दिस इज फजाना कि वो एक आता था बता हाँ भाई क्या कर रहे हो तुम ये इस तरह का था मानी ना अब मेरी 19 साल की उम्र में शादी हुई थी इससे तो जब आप छोटी उम्र में किसी के साथ रहे ना तो आप उस जैसे होने लगते हैं तो मैं मानी छोटी बच्ची से शादी कर ली छोटे थे आठ साल नहीं उस टाइम पे आई थिंक आपकी बेगम की क्या एज थी जब उनकी शादी एक छोटी सी ब्रेक